प्लीज वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तस्मान रूनो। सो चलिए आज एक मूवी का सीन देखते हैं। ये मूवी है थनेबू मूवी, जो मूवी कुछ दिन पहले में रिलीज हुआ था एंड ये बहुत ही सुपर डुपर हिट एक मूवी है, जो मूवी तमिल लैंग्वेज की एक मूवी है। सो चलिए मूवी के देखते हैं। एंड ये मूवी के एक पहले में एक सीन के ऊपर रिएक्शन दिया था, जो है थनेबू मूवी का जो अजीत कुमार जिस तरीके से एंट्री करते हैं वही सीन के ऊपर रिएक्शन दिया था। वो एंट्री करने के बाद क्या होते हैं वही आज हम देखेंगे। एंड आज हम देखेंगे थनेबू पोस्ट इंट्रो फाइट सीन। सो चलिए देखते हैं। ये मूवी की एक्टिंग क्या अजीत कुमार ने, सो इसके साथ अजीत कुमार के साथ और भी लोग हैं। सो चलिए ये बाद में क्या होते हैं, एंट्री करने के बाद क्या होते हैं हम देखेंगे एक साथ। सो गाइस लेट्स प्ले। जल्दी उठो। अच्छा, सामने के बिल्डिंग के कैमरे ने सारा कांड रिकॉर्ड किया है। जेब गरम कर और गरम गरम फुटेज लेके आ। ब्रेकिंग न्यूज़ अपने चैनल पे आनी चाहिए। रिपोर्टर को भेज रहा है। बिन बुलाए मेहमानों की खातिरदारी तू कैसे करने वाला है? फिक्र मत कीजिए, इवेंट के लिए खाना मंगवाया था ना। तू MBA है क्या? विथ फर्स्ट क्लास। पुलिस को मैं संभाल लूंगा, तुम लोग अंदर जाकर लॉकर संभालो। अच्छा, लॉकर संभालने के लिए भेज दिया है, पुलिस को अकेला संभालेगा। कौले से? अच्छा, ये लगते हैं वो दूसरा जो पार्टी है ना, या बैंक लूटने आया था वही। पुलिस ने सारी दुकानें बंद करा दी है, हमें भी बंद करना होगा। हेलो सर, सर यहाँ पर एंथनी कौन है? वही सर है। बैंक के अंदर जो चोर है वो आपसे बात करना चाहता है। इस फर्स्ट टाइम चोर ने हेलो कहनी घस रहा था। ए, क्या परे दो टके के चिंदी चोर सामने आते हड्डियों का चूरन बनाता हूँ। उसको सुना रहा है, देखो मैं शूट कर रही हूँ, अभी ताला बोल रहा है। भाऊ, गलती से गाली। नहीं नहीं, दे दे दे। जब कोई गाली निकालता है ना, तो मैं गोली निकालता हूँ। इसका डेथ सर्टिफिकेट का बिल तेरे पर है। हमारे देवा दादा माफ करना, मेरे साहब को चुगली मत करना, टेंशन में थोड़ा इधर उधर फिसल जाता हूँ। इस गरीब को माफ कीजिए। हाँ, विनम्रता, विनम्रता की बहुत कमी है दुनिया में। एक काम कर, आज से तो मेरी टीम में, जब बैंक में डाका पड़ता है पुलिस क्या करती है बता? कुछ वो तो इंस्पेक्टर या ACP साहब बता पाएंगे। मेरे पास खोटी करने को बिल्कुल टाइम नहीं है, ये केस अब तेरा है। बहुत बहुत बधाई हो, आज से तू आयो। आयो आयो नहीं मेरे लाल, IO इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। सबसे पहले रास्ता साफ कर, भीड़ को कम कर, पेन और पेपर लेकर मेरे को फोन कर। जी हाँ सर, अब जिस का बात हूँ कम कम दिया है। आज पास की सारी दुकानें बंद करवाओ, पब्लिक को पीछे हटाओ और सारी गाड़ियाँ भी हटवाओ, और हाँ मेरे को कोई जल्दी से पेन पेपर दो। पुलिस को बोल दिया रास्ता क्लियर कर दो। बहुत ही अच्छा यूनिक सा टेक्निक अप्लाई किया है। ये कौन है, ये लड़की कौन है? ये लड़की कौन है? सर, CCTV में 6 लोग हथियार के साथ बैंक के अंदर घुसते हुए कैप्चर हुए हैं, लेकिन फुटेज लेने से पहले पुलिस आ गए। हाँ, लेकिन सर मैंने अपने फोन पे वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया है, चैनल में भेज दूं क्या? जरा सबर रख। क्यों सर? अभी भेज देगा तो वीडियो क्वालिटी के बारे में चर्चा ही करेंगे, क्यों बातें सुनने का? सबर रख, पहले प्याज बढ़ने दे, प्यासे को कुएं के पास आने दे, फिर बिटाएंगे उसकी प्यास और मुंह मांगा दाम उससे मांगेंगे, और अगले हफ्ते मीटिंग में बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड देंगे और 1000 रुपए पगार बढ़ा देंगे। अरे महिपा, कहीं ये तुझे फंसा ना दे। अरे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी इस चैनल में काम करके बोर हो चुका हूँ, पूरे ऑफिस में एक भी सुंदर लड़की नहीं है, इसलिए दिल नहीं लग रहा। हेलो मैडम, सुबह इतनी प्यारी शायरी भेजी थी, आपने रिप्लाई नहीं किया। इनका कैरेक्टर तो अच्छा है। क्या बात है, तुमने तो वायरल फुटेज ढूंढ निकाली। गुड जॉब बड़ी, बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड तो पक्का है और 1000 रुपए का इंक्रीमेंट भी। थैंक यू मैम। मैम को भेज दिया। सर, आप महापुरुष हो।
फ्री एडवाइस दी है, पगार बढ़ने के बाद भोग चढ़ाते रहना, समझा? हाँ हेलो मैडम, जैसा कि आप देख रहे हैं हथियारों से लैस काले कपड़ों में ये चोर गाड़ी से बाहर निकले। गाड़ी से बाहर निकलते ही ये तीनों चोर बैंक के अंदर जाते हैं। ये तस्वीरें आपको सिर्फ हमारे ही चैनल सर, सैम का फोन आया है। अंदर कई लोगों को व्हाट्स हैपनिंग सैम? बैंक कोड्स लॉक कर दिया है सर, सिस्टम से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, लेकिन बैंक लॉकर में आरबीआई की लिमिट से 500 करोड़ ज्यादा है, अगर चोरी हो गए तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर पाएंगे। बेवकूफ गधे, हम एक डेवलपिंग बैंक है, अगर बैंक में चोरी होती है तो लोगों का भरोसा हमसे उठ जाएगा, हमारी शेयर वैल्यू, रेपुटेशन, रिलायबिलिटी सब पर असर पड़ेगा। सॉरी सर, समझ गया। बैंक के अंदर जो चोर हैं वो जिंदा बाहर नहीं निकलने चाहिए। ठीक है सर, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। आप आ रहे हैं बैरिकेड पे? सर, उस चोर ने कांस्टेबल एंथनी को इंचार्ज बनाया है। साहब, मैं इस केस का आईओ हूँ। मैं तो फोन लगा सर। एक मिनट बात तो सुनिए। चुप रहे। आईओ। पुलिस ऑफिसर के एक्टिंग अच्छा था। अरे बाप रे बाप, इतना पैसा। ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा। कितना रुकना रहेगा रे? हाँ एक 1,510 करोड़। बोला था ना मैंने, 5,000 करोड़ होगा इच नहीं, उसे मारते हैं और यहाँ से पैसा लेके निकलते हैं। सब मिल के लगते अजीत कुमार को मारने का प्लान कर रहे हैं। एंटो मेरे लाल, मैं एसीपी रामचंद्र बोल रहा हूँ। मेरे को सिर्फ एंटनी से ही बात करने की है। कौन है तू? हाँ चला जाएगा क्या? सुना नहीं, मैं सिर्फ एंटनी से बात करूंगा। वो एक हवलदार है, मैं उसका सीनियर हूँ, मुझसे बात कर। चलना पका मत, एंटनी को फोन। एंटनी को आयोबा ना दे, दिमाग मत खराब कर। हाथ उठा के बाहर आ जाओ। अबे कान की दर्द, एंटनी को फोन दे। ओ कड़ी क्या हुई, पुलिस कॉल हो जाता है। अभी शूट करेगा लगते, गोली करेगा। श्योर बता कौन है तू? श्योर फोन पे। Don't teach your father how to. माँ देखता, वो नाइफ लेकर आया था उसको मारने के लिए। हेलो, अबे हेलो, हाय छोड़, तेरे वजह से दो लोगों की बलि चढ़ गई है, सोशल मीडिया पे बता दो सबको। सर प्लीज, आजकल लोग भगवान से ज्यादा सोशल मीडिया के डंडे से डरते हैं, इसीलिए राजेश नो हिंकड़ी। नाम जानता है? नाम भी जानता है। हाँ दादा। एंटो, दोबारा ये गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए, वरना पीट पीट के नर्क भेज दूंगा। तकरीबन 10:30 बजे गांधी रोड पे जो योर बैंक है, उस पर चोरों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि ये मुंजली से चुराने लोगों को अंदर बंदी बना कर रखा है। क्या करें? मैंने उसकी वॉइस रिकॉर्ड की है, पता लगा उसकी आवाज किसी से मैच होती है क्या? कैसे सर? अबे गधा है क्या? सब कुछ मैं बताऊं? कैसे सर? निकल। सो हमने देख लिया धोनी वो मूवी का जो क्या बोलते हैं पोस्ट एंट्री फाइट सीन है, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे कुछ डायलॉग बहुत ही खतरनाक था, जैसे कि अजीत कुमार ने बोला था कि जब मुझे लोग गालियाँ देते मैं गोलियाँ छोड़ती हूँ। ये डायलॉग काफी बहुत ही फायर टाइप का था, एंड ये डायलॉग बोलने के टाइम अजीत कुमार ने किया एक्सप्रेशन क्या है, एंड उनका इतनी एज में आके इतना रॉकिंग टाइप का, एंड सो क्या बोलूँ, फुल गैंगस्टर टाइप का उनका एक्टिंग था, एंड उनका एक्सप्रेशन भी बहुत ही मजा का था, बहुत। एंड मैंने सिर्फ मूवी का सीन रिएक्शन शुरू किया था, सिर्फ फर्स्ट में था सुनी भी मूवी का एंट्री सीन, मैस फाइट एंट्री सीन, वो तो बहुत ही अच्छा था। पहले में मूवी का फर्स्ट में इतना ट्विस्ट है, तो आगे में क्या होगा पता नहीं, तो
बाद में क्या होगा पता नहीं कि पुलिस ऑफिसर अजीत कुमार की जो वॉइस रिकॉर्ड किया है वो किसी के साथ मिलते हैं कि नहीं वो पता लगेगा। एंड अजीत कुमार यहाँ से बैंक लूट के वो वापस जा पाएगा कि नहीं, या तो उनको यहाँ पे पुलिस ने कैद यानी कि पुलिस उसको पकड़ लिया है कि नहीं पता नहीं, वो आगे में जाके देखना पड़ेगा कि ये मूवी पे क्या है। बहुत अच्छा लगा, अभी तक मुझे तो बहुत ज़्यादा ट्विस्ट मिला है एंड बहुत ज़्यादा जब मैं इंजॉय कर रही थी ना देख रही थी मेरा हार्ट बीट ऐसे ऐसे चल रहा था कि अब क्या होगा अब क्या होगा, तो बहुत अच्छा लगा। यानी यहाँ पे और भी एक डायलॉग था, बहुत मजा आया था जो आयो बनाया था ना एक पुलिस ऑफिसर को नहीं वो एंथोनी को, उसका एक्टिंग बहुत ही कॉमेडी जैसा था एंड उनके साथ जो डायलॉग दिया है अजीत कुमार ने वो भी बहुत अच्छा था, मजा का था। यहाँ पे अजीत कुमार ने जब उसने बैंक के पैसा लाने के लिए भेजा था, सेकेंड जो पार्टी आया था बैंक लूट ने, वो लोग एक साथ मिलके जब वो पैसे को लेकर जा रहा था ना अजीत कुमार पुलिस के साथ बात कर रहा था, वो पीछे से जो वो नाइफ से वो लोग वो दूसरा पार्टी जब नाइफ से उनको मारने के लिए ट्राई किया, मैंने सोचा कि तब लगते अजीत कुमार को उसने नाइफ से मार देगा, पर नहीं उसका ध्यान कितना, वो सीन बहुत ही अच्छा था क्योंकि वो इतना अच्छी तरीके से सीन को सजाया, क्या बोलो, वो पीछे से ऐसे टच टच करके शूट किया, वो सीन तो बहुत ही अच्छा था। एंड ऑल टाइम उनके हाथों में जो क्या बोलते वो बंदूक था ना वो बहुत अच्छा लगा। एंड उनका डायलॉग ना थोड़ा सा कॉमेडी जैसा है, जैसे कि पूरा की पूरा डायलॉग बहुत ध्यान से आप सुनोगे एंड बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे क्योंकि वो डायलॉग के साथ ना थोड़ा सा कॉमेडी भी है। तो मुझे बहुत पसंद आया ये थोड़ी वो पोस्ट एंड क्या बोलते हैं पोस्ट एंटी सीन, बहुत ही अच्छा लगा। सो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अजीत कुमार की यहाँ पे एक्टिंग कैसा लग रहा है आपको, एंड फर्स्ट में इतना ट्विस्ट लग रहा है तो बाद में क्या होगा कमेंट पे बता दो। एंड ये मूवी अभी तक आपने फुल मूवी देखा है कि नहीं ये भी बता दो। सो बहुत अच्छा लगा एंड थोड़ी वो मीनिंग क्या है पता नहीं, प्लीज़ आप लोगों को पता है तो मुझे सेंड कर दो जैसे कि कमेंट कर दो, ठीक है। सो आज मैं चली जाती हूँ एंड नेक्स्ट टाइम में और एक रिएक्शन लेकर आ जाऊँगी इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट में क्या होते। सो अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ लेकर आऊँगी। सो ये था रिएक्शन वीडियो को अच्छी लगी तो जो करना है कर लो, आज मैं चली जाती हूँ, बाय बाय।